हेलो एवरीवन, आई एम जतिन मलिक। चीपेट अड्डा फार्मा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का पार्ट फोर डिस्कस कर रहा हूं। तो पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री की वीडियो पहले आपको देखनी है, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ एलिक्सिर के बारे में। तो एलिक्सिर के बारे में आपको याद रखना है कि एलिक्सिर में एल्कोहल होता है। एल्कोहल कौन सा? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं। और इसमें कितनी कंसंट्रेशन होती है इसकी? 5 to 40%। ठीक है, 5% to 40%। याद रखना बहुत इजी है। देखो, इथाइल एल्कोहल यूज हो रहा है ई ई अल्फाबेट्स में फिफ्थ लेटर होता है, तो यहाँ से 5 से 40। ठीक है, तो ये था एलिक्सिर की जो फॉर्मुलेशन है उसमें एल्कोहल प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसको भी याद करना बहुत ईजी है। देखो, एलिक्सिर की प्रोनाउंसिएशन करोगे और एल्कोहल की प्रोनाउंसिएशन करोगे, दोनों सिमिलर है, एलिक्सिर एल्कोहल। तो एलिक्सिर एल्कोहल से आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट हो गया कि इसमें एल्कोहल होता है, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ कि एलिक्सिर की फॉर्मुलेशन में क्या क्या होता है। सेकेंड पॉइंट होता है कि इसमें वाटर होता है। ठीक है, सेकेंड क्या पॉइंट है? इसमें वाटर होता है। थर्ड, इसमें सोर्बिटोल होता है, ग्लिसरीन होता है और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सोलवेंट्स हम यूज करते हैं। ये सारे क्या हैं? सोलवेंट्स। ये सोलवेंट्स हम यूज करते हैं। क्यों? हमने इसमें अल्कोहल और वाटर, सोर्बिटोल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इतने सारे सॉल्वेंट क्यों यूज किए हैं? तो इसका आंसर क्या है? देखो, जो हम इसमें मेडिसिन एज ए एलिक्सिर प्रिस्क्राइब होती हैं, वो मेडिसिन है लाइक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल, एक नियोमाइसिन की एलिक्सिर आती है। एग्जाम्पल किसकी आती है? नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड है। तो नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसकी एलिक्सिर आती है। ठीक है, सेकंड, लाइक एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिनिक जो भी दवाइयां होती है उसकी भी एलिक्सिर आती है। सेडेटिव्स, सेडेटिव की एलिक्सिर आती है। तो क्या होता है, कुछ दवाइयां, तो देखो एल्कोहल और वाटर तो क्या है? पोलर सोलवेंट है। तो कुछ दवाइयां पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होती है और कुछ पोलर में सोल्यूबल नहीं होती। तो वो किस में सोल्यूबल होंगी? इनमें, सोर्बिटोल, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में। इसलिए हमने दोनों का मिक्सचर ले लिया कि जो पोलर सोलवेंट है उसमें सोल्यूबल वाली दवाइयां भी हम डिस्पेंस कर सके, जो हमारी पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल नहीं है उसमें भी हम डिस्पेंस कर सके। तो ये थी एलिक्सिर की फॉर्मुलेशन का पहला पार्ट, क्या? सोलवेंट्स के बारे में। अब सेकेंड मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो एडजंक्ट यूज होते हैं इसमें। एडजंक्ट, एडजंक्ट में सबसे पहले आएगा केमिकल स्टेबलाइजर। केमिकल स्टेबलाइजर, केमिकल स्टेबलाइजर में यहाँ यूज करते हैं सोडियम एडिटेट को, सोडियम एडिटेट या फिर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सेकंड आएगा कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट आपको पता है क्या होते हैं? कोल, कोल टार डाइज। तो आपको टार वर्ड इम्पोर्टेंट है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कलरिंग एजेंट की एग्जाम्पल बताऊं, टार्ट्राजीन। सेकंड एमारेंट, एमारेंट, तो इसमें भी टार आ रहा है, देखो टी ए आर, टार। ठीक है, थर्ड ग्रीन एस, ये सिरप में भी बताए थे मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। तो ये क्या है? कलरिंग एजेंट। ठीक है, थर्ड वन एडजेंट में फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट आपको याद रखने हैं। फ्लेवरिंग एजेंट जो यूज होते हैं इसमें वो हैं लेमन सिरप, लेमन सिरप, ऑरेंज सिरप, ऑरेंज सिरप। फोर्थ है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव ऐसे हम एलिक्सिर में यूज नहीं करते, क्योंकि एलिक्सिर में क्या बताया मैंने आपको कि इथाइल एल्कोहल होता है। इथाइल एल्कोहल मैंने बताया था ना अभी फर्स्ट स्लाइड में कि इथाइल एल्कोहल कितनी परसेंट में? ई, 5, तो 5 to 40%। तो जब भी एल्कोहल अगर मोर देन 20% में प्रेजेंट है, मोर देन 20% एल्कोहल प्रेजेंट है, तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है।
ठीक है, प्रिजर्वेटिव का काम करते। तो वैसे इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए होते, लेकिन प्रिजर्वेटिव अगर हम डालें भी गए तो कौन कौन से, बेंजोइक एसिड, और सेकंड कौन सा था, बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, पैरा फॉर प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये थी एडजेंट। तो ये है इसकी फॉर्मुलेशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कई बार इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन और नोट किया कर लीजिए कि एलिक्सिर होते क्या हैं। तो मैं यहाँ आपको एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ कि एलिक्सिर क्लियर स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ठीक है, इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, मैंने बताया ना ये इंटरनल यूज के लिए यूज होता है, आईआर, आईआर फॉर इंटरनल, तो ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक, इसको हाइड्रो एल्कोहलिक क्यों बोला, क्योंकि एल्कोहल की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए इसको हाइड्रो एल्कोहलिक बोला। ठीक है, एल्कोहलिक हाइड्रो क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो उस वर्ड को बाद में यूज करते हैं, तो एल्कोहलिक की कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, कितना, 5 to 40%, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, क्लियर स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। डेफिनेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफिनेशन दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये किसके लिए है, ये डेफिनेशन किस फॉर्मुलेशन के लिए, तो एग्जाम आंसर क्या आएगा, एलिक्सिर। ठीक है, तो ये था हमारा एलिक्सिर टॉपिक, बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारे जो YouTube चैनल है इसके साथ बने रहें, ठीक है, अपने रिव्यूज और शेयर करें, ताकि हमको जहां पर हमें इम्प्रूवमेंट हो वहां हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।